बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में आक्रोश की आग जमकर भड़की। सतनामी समुदाय के प्रदर्शन के दौरान सोमवार को उपद्रवियों ने 75 बाइक, 20 कार और 2 दमकल वाहनों को आग के हवाले कर दिया। लोगों ने कलेक्ट्रेट में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। इसके बाद भीड़ ने पथराव भी शुरू कर दिया। पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ के बीच कुछ लोगों ने कलेक्ट्रेट में आगजनी की। इससे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की भी खबर है। इसमें पुलिसकर्मी सहित कुछ लोग भी घायल हुए हैं। दरअसल 15 मई की रात बागिन गुफा में लगे धार्मिक चिन्ह जैतथाम को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिसके विरोध में समाज के हजारों लोग दशहरा मैदान में कई दिन से प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लोगों का आरोप है कि पकड़े गए लोग असली आरोपी नहीं है। पुलिस दोषियों को बचा रही है। सोमवार को प्रदर्शन के दौरान लोग इसी बात को लेकर उग्र हो गए। इसके बाद हालात बिगड़ गए। घटना के बाद मुख्यमंत्री साय ने उपद्रवियों की गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए हैं।